तो हाय गाइस, हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आ गई हूँ अपना एक न्यू वीडियो लेके। सो आज का वीडियो किस इस तरह का है कि हम जा रहे हैं क्यूट से छोटे से प्यारे से बीबी से मिलने के लिए। मेरे को छोटे बच्चे बहुत क्यूट लगते हैं। सो आगे मेरे साथ बने रहे। ज्योति व्लॉगिंग कर रही हूँ। कितनी बारिश हो रही है, लेकिन लड़की को सिर्फ ब्लॉग बनाना है कि नहीं। हाँ तो आज तेरा दिमाग भी नहीं चलेगा, कुछ काम की नहीं है, कुछ काम की नहीं है लड़की। इसे कहते हैं बारिश ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग का ब्लॉग बना रही हो ना, जैसे कि देख देख ट्विनिंग। बस थोड़ा सा मेरा कलर ना हारा है, इसका चमकी पिंक पिंक। अच्छा चल 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 चुप रहे, ब्लॉग खराब हो जाएगा बेचारी का, देखो ना। अरे शुरू हो गए कहीं भी। सो हम पहुंच गए ज्योति के सोसाइटी, क्या बोलेंगे, सोसाइटी ना, ज्योति के दी के घर। हाँ ज्योति के दी के घर हम बेबी देखने के लिए आए हैं, ज्योति की बहन का। ये ना इतनी पागल है, इसे बिल्कुल भी बनाना नहीं आता। ए आता है, इसने गेट के एंट्री पहले पीछे देख, पीछे पीछे देख, एंट्री पहले लेनी चाहिए थी। अभी बहुत रसा है आगे, एंट्री लेती है पहले आगे देख। पहले अंदर के लिए। ये बूढ़ी अम्मा अपना मुंह कभी नहीं बंद रखेगी। क्यों बंद रखूं, अमृता की मां मैं ही हूं इसकी मां। ला 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 ला, कहां से आ गए रे मुदी का मां बनने। चल हट, तू आके गई है ना, तुझे पता है ना। लेकिन अभी ज्यादा हो गया है बारिश के टाइम में। देखो दीप कॉलेज, आप लोग ने कभी देखा ही नहीं होगा ना। ए शट अप, यहाँ पे झूला है, खेल सकते हैं, यहाँ पे गाय भैंस झूलती है, देख सकते हैं आप लोग। आज का व्लॉगिंग सबसे भारी है, घास तो बहुत बड़े बड़े। ये देखो एक का ज्योति है और एक उसके फ्रेंड है, जैसे कि यहाँ पे दो है और ये दो है भैंस। अगर ये व्लॉग में कहना तेरा मुंह तोड़ दूंगा। ऑफ कोर्स जाएगा, नहीं जाना चाहिए, जाएगा जाएगा, मस्त है भैंस वो भी है। वो आवाज मार रही है ना, कहाँ से नहीं, तीसरी बार घूम रही होगी, व्लॉग बना रही है, तीसरी बार व्लॉग बना रही है। जस्ट इग्नोर गाइस, ये ऐसे पागलपंती करते रहते हैं, क्यों इग्नोर, ये इन लोग को पागल कुत्ता काटा रहता है, दोबारा बीच बीच में पड़ते रहते हैं। देखो डोमिनो साहब का, हम लोग को पिज्जा नहीं देके गए, हम लोग ने ऑर्डर ही नहीं किया था। हाँ देखो नंबर वन चश्मिश, छोड़ आप बस इसके आगे इसको इंग्लिश बोलने नहीं आती। आते बोलो, बोल के जाना कभी पूछना। ओ यूट्यूबर, कभी पूछना इससे कि इसे इंग्लिश आती है कि नहीं, कभी कोई तो बात करना इंग्लिश में। अच्छी सी आती है, हाँ कमेंट पे लिख देना, मैं दे दूंगी आपको कमेंट इंग्लिश में। कहीं ना गूगल से छाप के देगी तो नहीं। कभी मेरे लिए बात करना इंग्लिश भाई, मेरे ब्लॉग में मेरी बेइज्जती हो रही है, पता नहीं होनी चाहिए। आई नो होनी चाहिए, हमारी हो रही थी, इसकी भी होनी चाहिए ना। क्यों ये गेट है, नहीं देखो इसे गेट भी नहीं पता। ये देखो एक कुत्ता दो कुत्ता में लड़ाई होने चाहिए, एक कुत्ता दो कुत्ता मिलने नहीं आए हैं। मेरी नानी कहाँ गई, हम तो नानी को छोड़ ही देते पीछे। नानी एकदम पीछे रह गई, नानी आ गई थी, रेडी रेडी। हाँ नानी, बस नानी दूसरा गेट देखो आगे जा रही है मैडम, यहाँ पे जाना है तो। ओह सॉरी, ये गेट आ चुका है। सो ये गेट है, इस गेट में एंटर है। स्वागत कौन बोलेगा, रिश्तों के भी रंग बदलते हैं। अरे तू घर दिखाने जा रही है ना, तो यही गाना गाएगी ना पागल। ये देखो शारदा बिल्डिंग, मेरी मम्मी का नाम है। अमरूद रेसिडेंसी
अमृता रहना चाहिए था डायरेक्ट, अमृत क्यों लिखा है? वाह भाई वाह, ज्योति रहती है अमृता के घर में, ज्योति रहती है अमृता के घर पे। हाँ देखो, और बड़ी वाली पहनी छोटी वाली। रुक जा एक मिनट, थांबा, लाइट नहीं रहेगी तो फिर बंद हो जाएंगे लिफ्ट में ही। चल के जाना पड़ेगा। ओह शेट यार, कितना चलना है, आराम आराम से चल, क्योंकि मैं तो चलूंगी। नानी सीढ़ी चढ़ के चला। अब पता है नानी लिफ्ट हमारी, लेकिन मतलब ना अभी वो नहीं, लाइट नहीं है। वैसे भी नानी को लिफ्ट में डर लगता है, अच्छा कहीं बंद हो गया फर्स्ट फ्लोर में, क्योंकि लिफ्ट खराब हो चुकी है। वैसे भी लिफ्ट पहले से ही खराब है और ऊपर से लाइट भी चली गई। और तेरा मुंह नहीं दिख रहा है। ये देखो वर्षा का फ्रेंड। हाय डूड, व्हाट्स अप? ब्यूटीफुल अरामिका। हाय ज्योति, आज बहुत चला दी। ज्योति ने बहुत चला दी आज। सॉरी यार, मैं क्या भी उसको घर ही ना अंदर है। सॉरी नानी। हाय सो मस्ट, हम यहाँ पे पहुँच गए। यहाँ पे मतलब घर पे, यहाँ पे मेरी बहन का घर है, मेरी सिस्टर इन लॉ। आ गई लीजा बस। सो ये मेरी बहन का घर, अभी हम लोग करेंगे। मेरी तो आगे खोल नहीं सकती क्योंकि वो बहुत छोटी है, तो देवी की मम्मी आएगी या पापा आएंगे। कोई है? किसने खोला? बेबी के पापा खोले। अंदर आ चुके हैं, देखो वो बैठी है लेके। सो इधर आ, देख जल्दी है वो ब्लॉग बना रही ना। लाइट नहीं है ना रोशनी? मम्मी नहीं आई? मम्मी का तबीयत बहुत खराब है ना। जी हाय। डायरेक्ट छुट्टी तो मैं इसे लेकर आ गई। इस हालत है इसलिए तो अभी तो काम भी सब बाकी है, पता है इसको संभालते। अभी तो बर्तन झाड़ू आ गए ना, बर्तन झाड़ू संभालेंगे। हां कब तक काम कर काम में क्या होगा तो। मासी भी है, देखो मासी आई है, छोटी वाली मासी, मैम की बड़ी वाली मासी, वो भी बड़ी वाली मासी, यही एक छोटी वाली। हाँ मैं सबसे छोटी हूँ, उससे भी छोटी हूँ अभी तो। क्योंकि वो मतलब नए नए तो किसी किसी को एलर्जी हो जाती है। नाखून तो बड़े नहीं है ना, नहीं तो फिर। और तू नहीं पसंद है उसको इसलिए मुंह बना रही है। एक बार तूने अगर स्माइल किया तो देख। ओ नानी और मासी ने गिफ्ट लाया है। देखो नानी मासी ने प्रिंसेस के लिए गिफ्ट लाया है। देखो देखो। अच्छा जब आप बड़े होंगे ना तो मासी का ब्लॉग दिखाऊंगी आपको। हाँ क्या क्या गिफ्ट लाया था, फिर इसको ओपन करके देखेंगे मासी ने क्या क्या लाया आपके लिए, है ना? फिर आपको उसी टॉय को संभाल के रखना, हम खेलेंगे उससे। तू खेलेगी? बच्चा बनना क्या गलत है, है ना? कहाँ गई दीदी? ये इसकी मम्मा है यहाँ। ये लो गिफ्ट। हाँ ऐसा कैसे, फर्स्ट टाइम आया तो जरूरत नहीं ना, एक गलती की है, वो गिफ्ट का रैपर है ना मेरा। हाँ मुझे पता है, मुझे पता है, मैं जानबूझ के ना ही संभाल के रखी थी। अभी अनबॉक्सिंग करने जा रही दीदी गिफ्ट को। खुल रहा है। नहीं पागल, नानी को बैठने दे। अरे वाह, ये तो कितना प्यारा गिफ्ट है। तो सी का तो आए ना बाबू की गिफ्ट है, देखो मासी कह रही है आपके लिए। अरे वाह कितना प्यारा लग रहा है। लेकिन थोड़ी बड़ी हो जाएगी ना तब। ये अपने साइज का लिए हो। हाँ ना मेरे साइज का है। वाओ टेडी भी कितना प्यारा है, उसको देखा? वो तो देख ही नहीं रही है। देखो मासी लाई।
उसको नहीं होता, उसको ठंडी लगती है। नहीं बहुत सुंदर है, बहुत ढूंढी में बारिश में नहीं हो रहा था इसको है। मैं ये नहीं वो नहीं वो नहीं करके एक तो पानी भी बरस रहा था। हाँ नहीं बहुत प्यारा गिफ्ट है, वन मंथ की हो जाएगी ना तो बोलो उसको वर्षा मास में दिया तेरे को। शो गया नहीं तेरे लिए जाग के रहेगी वो। नहीं रुक जाएगी ये गिफ्ट पेपर मुझे बहुत बरसों पुराना लग रहा है। ये ज्योति ने मेरे को इसमें गिफ्ट दिया था। संभाल के रखना, तू क्या लाई इसके लिए तू बता। मैंने कुछ नहीं लाया, मैं खुद आ गई ना। उतने ही बहुत है दादी अम्मा, दादी अम्मा मेरी मम्मी इसको बोलती सोम पापड़ी। मेरी परी, बहुत परेशान करती है ये ना। इसको ना पूरा ऐसा कर देती है पता है, मम्मी ना ऐसे गाल नोचती है ना, इसको समझ नहीं आता आप इतने छोटे से हो, मेरा मुंह इतना छोटा सा फिर भी जल्दी करती है। देखती थी चलो मिडल में सुनाते सब लोग आपको देखेंगे। नहीं यहाँ पे ना ऐसे लग रहा है कोई बेचारी को जो टाइप में छोड़ दे रहे वही टाइप में हो जा रही है। गर्म हो रहा है ना पाव की, गर्म हो रहा होगा उसको। वो गलती से पकड़ लिया तेरा भी उस दिन गलती से ऐसे पकड़ी थी फिर छोड़ भी दी। ऐसे हमेशा पकड़ती है वो, तो तू माँ है ना उसकी, हमेशा साथ में रहती, मैं कहाँ रहती हूँ साथ में। सोच रही है आज तो बहुत मेहमान आ गए मिलने। इधर देखेगी फिर इधर देखेगी फिर इधर देखेगी। आपको देख रही है ये कौन सी एंटिक आ गई। एंटिक पीस डर जाएगी पागल तेरा मुझे हरामी मुझे कितना बना रही है बढ़िया भी तो देखेगी। आई मैं कितनी चोटी नाली पता वो पैर ना करती ही नहीं है सही से नहीं ऊपर नीचे अपने से ही सीधा करती है अपने से ही फोल्ड करती है और टॉय नहीं है नहीं इसको देख रही सीधा होता है कि नहीं। अरे ले की बहुत मम्मी की मैं अभी ना हाई ग्रुप की तो क्या होता है लाल दिखा रही तेरे को इस लाल से मारेगी क्योंकि उसको जो पति देख लाल दिखा रही तेरे को देख बेचारी को परेशान कर दी तेरी की कहाँ जा रही है। इसको कितना भी ऐसे मेडल में करके सिलाएंगे ना ये एक ही साइड करके सोती है एकदम, इसको फैला की जगह चाहिए मम्मी से। ज्यादा जन रहते ना तो इसको भी अच्छा लगता है खेलने हाँ। अकेले बाबू का कब है मेरा जून ना जून 15 भी अगले साल। अरे मेरा 9 जून इसका जून 15 15 जून को उसको स्कूल भी खुलेगा और 15 जून को बर्थडे भी बनाएगी। ये जीव देखो तो जीव निकालती है अभी तो उसका बर्थडे नहीं मना सकते ना एक साल के होते तो ही बनाते हैं ना। हाँ। मैं तो सोची थी महीने महीने का करने तो मम्मी डांटी बोलती नहीं एक साल का मेरे को पहली बार लड़की ही चाहिए थी। हाँ। क्योंकि लड़के लोग में क्या है जींस पैंट पहना दो काजल पोत दो। हाँ। हो गया लड़के में कितना अच्छा लगता है ड्रेस अप अलग अलग करो मेकअप भी कर सकते ए बड़ी तो होने दे हट मेकअप फर्क नहीं लगाऊंगी उसको जिसने नेचुरल उतनी अच्छी वैसी मैं वैसी वो ही रहेगी नेचुरल।
मैं कंफ्यूज हूँ, वो किसको देख रही है, प्रियंका को कि नानी को? नानी देख रही है, सोएगी अभी। ये वाला वीडियो था ना बेबी लोग का, ये क्या कर रहे हो तुम? मैं मारूंगा तुमको, वो सोच रही होगी अंदर, फील कर रही हो। हम मिले थे पहले, सो नींद नहीं लगा थोड़ी में, ये देखो नींद लग रही है, नींद मार रही है, उसको शर्म आ रही है उनके सामने सो कैसे, ऐसे सही है, बहुत अलग अलग टाइप में सोती है, पोज मारती है। हाँ देखो पास ही नहीं हुई, मम्मी का कपड़ा है, डूब गई है पूरी नींद। तो क्या मम्मी ऐसा कपड़ा देगी उसे प्रॉब्लम भी नहीं होगा? मोटा रहता ना, रात को बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है, तो ऐसा ट्रिपल करके इसको मैं ये करती हूँ, ऐसा पाँच है ना, और एक मोटा वाला भी जा कहीं लेकर आने जाने के लिए, तो वो भी इसको एकदम पैक कर देती, तो सुसु नहीं करती, अगर हल्का सा भी ठंडी लगती है तो सुसु कर देती, हाथ में ग्लव्स, पैर में सब कुछ पहना के चला। अरे तो क्या बोलूँ, नहीं 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 नहीं, चिल्ला मत, बच्ची उड़ जाएगी। नहीं तो सोने नहीं दूंगी, जब तक मैं नहीं जाऊंगी तब तक सोने सोने दो, सोना नहीं, सो जाओ, देखो सो गई। मक्खी घुस गया घर से तो आ कर दी, ये निकाल रही है। रोएगी, हाथ दुख रहा है उसका, दबा दे उसका, हमेशा बॉडी दुख रहा है।